हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, बल्कि किचन से रिलेटेड टिप्स बताऊंगी। अभी तक हम लोगों ने बहुत रेसिपी बनाई है, तो क्यों ना कुछ टिप्स भी देख लिए जाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अभी देखते हैं किचन से रिलेटेड। आज मैं आपको कुछ किचन टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसा कि सुबह हम सब्जी वगैरह काटते तो स्कूल के लिए देर हो जाती है, इसलिए हम पहले से ही सब्जी काट लेते हैं। अब इसको फ्रेश कैसे रख सकते हैं ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा लेते हैं, आप हो सके तो प्लास्टिक का ही लीजिए। उसमें ये पेपर डाल देती हूँ, पेपर नैपकिन है, और इसको अच्छी तरह से डालती हूँ जिससे कि डिब्बे में चारों ओर से कवर हो जाए इस तरह से। अब इसी में हम अपनी सारी भिंडी की सब्जी डाल देंगे। अब इसके ऊपर से फिर से एक नैपकिन लगा के इस तरह से लगा देती हूँ, और इसको ऐसे कवर कर देना है। अगर इसको ऊपर से इसलिए लगाते हैं जिससे कि इसमें गीलापन ज्यादा ना बढ़े, इससे हमारी भिंडी 2 से 3 दिन तक कोई भी सब्जी हो फ्रेश बनी रहती है। अभी दूसरा टिप्स ये है कि हम लोग घर में पालक को उबालते हैं। ये मैंने पालक उबाली है, पर इसको ज्यादा हरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे ही गर्म पानी में नहीं छोड़ना चाहिए, इसको निकाल कर तुरंत ठंडे पानी में डाल देना चाहिए जिससे कि ये हरी बनी रहेगी। इस तरह से ठंडे पानी में डालकर इसको निचोड़कर बाद में निकाल लेना, तो इससे हमारी सब्जी ज़्यादा हरी बनी रहेगी। ये इस तरह से देखिए इसका कलर कितना सुंदर है, इसी तरह की सब्जी बनेगी। आप इसी तरह से ठंडे पानी में डालिए। तीसरा टिप्स ये है, हम अक्सर घर में जब मटर उबालते हैं तो सफ़ेद हो जाती है। मटर को वैसा ही हरा रखने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर इसमें 1/2 स्पून चीनी और कुछ दूध डालकर इसको बॉईल करेंगे, तो हमारी मटर उबलने के बाद में देखो वैसी ही हरी रहेगी जैसी हमने रखी थी, उससे ज़्यादा ये हरी है। और जब हम पनीर वगैरह बनाते तो ऐसा हरा कलर बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट टिप्स ये है फ्रेंड्स, जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे बहुत आंसू आते हैं, तो आंखों में आंसू ना आए इसके लिए हम प्याज को बीच से 2 टुकड़े करके इस तरह से पानी में डाल दें। ये पानी में 1/2 घंटे तक पड़े रहने दें। उसके बाद हमारे आँख, जब हम प्याज को काटेंगे तो हमारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, बस इस तरह से इसको पड़ा रहने दें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम मिर्ची वगैरह लाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है, इसको फ्रेश रखने के लिए आप मिर्ची के पीछे के हिस्से को तोड़कर इस तरह से डिब्बे में स्टोर कीजिए, ये काफ़ी दिन तक फ्रेश बनी रहेगी। हमेशा मिर्ची को पीछे से ये तो इसकी कैप हटाकर ही रखिए, तो ये अच्छे से फ्रेश रहेगी। इस तरह से हमें कैप हटा देनी है सभी की ऐसे, और इसको बंद करके इस तरह से बंद करके रख देना है। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारी फ्रिज से अक्सर महक आने लगती है खाने की एक दूसरे, उसके लिए हमें ये नींबू काट कर ऐसे पानी में डाल कर रख देना है फ्रिज के अंदर। इससे सारी इसमें जो महक आ रही होगी वो चली जाती है और नींबू भी फ्रेश रहता है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे किचन में छिपकली बहुत आती है जिससे कि बहुत डर लगता है और खाने में गिरने का भी डर रहता है। हमें अपनी छिपकली को बचाने के लिए ये इस तरह के मोर पंख हैं, मिल जाए तो आप इसका एक बंच बनाकर अपनी किचन में लगा दीजिए, जिससे छिपकली सारी किचन में नहीं आएंगी और चली जाए।
फ्रेंड्स, अक्सर हम मसाले घर में स्टोर करके रखते हैं तो उसमें जाले पड़ जाते हैं। मसालों में जाला ना पड़े इसके लिए हम इसमें नमक मिला के रखना चाहिए, जिससे कि इसमें जाले नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन सब्जी बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि हमें नमक कम डालना है। इस तरह से नमक मिलाकर सारे मसालों को रखना चाहिए या फिर मसालों को फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर लेडीजों की प्रॉब्लम ये होती है लहसुन छीलना। अब हमें सुबह जल्दी जाना होता है या जॉब पर जाती है, उनको लहसुन छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लहसुन को पहले से छील कर एक एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये हमें कम से कम 15 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अक्सर हम आलू काट कर जल्दी ही सब्जी बनाने के लिए रख देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। अगर आलू काले ना पड़े इसके लिए हम आलू काट कर पानी में डाल दें तो आलू हमारा काला नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमें डाल कर रख देना चाहिए। जब हम सब्जी बनाएं तो आलू को निकाल कर धोकर फिर उसका प्रयोग करें।